सर 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 चले। अरे युद्ध मत करो यार, लड़ो मत यार, टेंशन मत लो, चलो रेडी आइए। किस तरह से खास है? एक्चुअली ये मेरा दूसरी बार हुआ ना वो वॉच में, बिकॉज पहला जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मैंने परफॉर्म किया पिछले महीने, सो आई थिंक बिकॉज इट्स अ ग्रेट वेंचर। एक तरह से आप अगर देखें तो हर महीने हम जो फिल्में देखते हैं उन्हें अवार्ड करना, इट्स अ ग्रेट ग्रेट वेंचर। सो आई थिंक इसके साथ एसोसिएटेड रहना मुझे अच्छा लगता है। सो पिछली बार मैं अकेला था, इस बार मैडम को साथ में लेकर आया हूँ। सो आई वॉन्टेड हर टू सी कि हाउ। जी नहीं, इस बार मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं, इस बार मैं चेयर करने आया हूँ क्योंकि मेरा प्राग गुरमीत परफॉर्म कर रहा है, सो उसको देखने के लिए आया हूँ। बिकॉज कल हमने साथ में परफॉर्म किया स्टार परिवार अवार्ड्स में और आज वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, सो उसे देखने के लिए आया हूँ स्पेशली। और नाउ अवार्ड्स मैं इसे दिखाने के लिए आया हूँ बिकॉज इट्स इट इज नाउ अवार्ड्स का सेकेंड टाइम। मैडम डिस्क्राइब कीजिए, इन्होंने कपड़े पहने हैं फिलहाल और ये कपड़े इंसान पहनते हैं और ऐसा कोई पर्टिकुलर थीम नहीं था। आप अगर कल रात के फोटोज देखेंगे और आज के फोटोज देखेंगे तो आपको मेरे में सिर्फ कलर चेंज का फर्क नजर आएगा और कुछ नहीं। बट हाँ मैडम मैं तो पूरी चेंज है आज, कम्प्लीटली अपसाइड डाउन चेंज है। पहले सच्ची सच्ची बताइए, इनका ये हेयरबैंड हमने लास्ट में लगाया, कैसा लग रहा है? तुम बड़े बोल रहे हो, लड़कियों से पूछा मैंने। अरे मानसून से जुड़ी हुई बहुत सारी याद है क्योंकि मानसून में कच्चे में नहाया करता था बारिश में, है ना? तुम्हें किस बट हाँ कच्चे में नहाने के अलावा भी मैं बहुत कुछ करता था मानसून में, क्योंकि दुबई से जब हम यहाँ पे आते थे व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम हियर, सो मानसून के आसपास ही आता था। सो मैंने हमेशा इंडिया के मानसून बहुत एंजॉय किए एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आउट ऑफ द फोर सीजन्स, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन दैट वी हैव। सो और इससे जुड़ा होगा आपको अगर बारिश पे कोई गाना गाना